हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट योर स्कोर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूड्स के बारे में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर कहीं आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ चेक कर लें। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के डेंसिटी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और क्लोजली भी पैक्ड हैं। वहीं लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे थोड़ी कम क्वांटिटी में हो और किसी भी फॉर्म में अरेंज नहीं है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम नंबर्स में हैं और कोई भी अरेंजमेंट उसमें दिखाई नहीं देता, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं और इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो डेंसिटी है क्या? और डेंसिटी इज़ हाउ मच मास समथिंग हैज़ इन अ सर्टेन वॉल्यूम, यानी कि किसी सर्टेन वॉल्यूम के अंदर कितना मास ऑफ मैटर वो कंटेन कर रहा है वो वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, हम कोई आयरन का ब्लॉक उठाएं एक सर्टेन साइज का और उसी से साइज का वुडन ब्लॉक उठाएं हम, तो देखेंगे कि जो डेंसिटी है वो आयरन ब्लॉक की ज़्यादा है और जो वुडन ब्लॉक है वो काफ़ी हल्का होता है। तो इसमें इससे क्या पता चल जाता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं आयरन ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी डेंसली पैक्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू द वुडन ब्लॉक मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए जो सेम साइज़ का आयरन ब्लॉक है और वुडन ब्लॉक है, तो आयरन ब्लॉक है वो ज़्यादा वे करेगा और वहीं वुडन ब्लॉक जो है वो कम वे करेगा। नेक्स्ट डेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास ऑफ अ मैटर कंटेन कर रहा है। ऐसे ही पिरामिड से वॉल्यूम को फॉर्मूला और मास का भी फॉर्मूला यहीं से डिराइव हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की, जो डेंसिटी के प्रॉपर्टी हैं। और ये वाटर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, अब बात करते हैं उसी के बारे में। अभी हम तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से जो डेंसिटी होती है सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जब वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि जो सॉलिडिफाइड आइस है वो अपने अंदर एयर बबल्स को ट्रैप कर लेता है और इसी वजह से वो थोड़ा वेट में हल्का हो जाता है और इसी वजह से वो वाटर पे फ्लोट भी कर सकता है, दस डिक्रीजिंग इट्स डेंसिटी देन द वाटर। गैस में मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो इजिली उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी को आप अपने घर पे भी खुद से अपने देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे वीडियो में दिया हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, देन वाटर की, उसके बाद डिश डिश सोप और ये फिर कॉर्न सिरप और हनी सबसे ज़्यादा डेंस होता है। तो जो हनी है वो सबसे नीचे है क्योंकि ये डेंसर है, उसके ऊपर है कॉर्न सिरप, वो हनी से कम डेंस है इसलिए हनी के ऊपर है। डिश सोप उससे भी, कॉर्न सिरप से भी थोड़ा कम डेंस है इसलिए वो उसके ऊपर है। देन वाटर है क्योंकि तो वो डिश सोप से थोड़ा कम डेंस है। उसके बाद वेजिटेबल जो ऑयल है वो सबसे कम डेंस है इसलिए वो सबसे ऊपर है। तो ये डेंसिटी के हिसाब से ही ये इनका जो अरेंजमेंट है वो कप में दिख रहा है हमको। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।